तो आज हम आपके लेके आए हैं अजवाइन के बहुत ही ज्यादा फायदे, जो कि हमारे पेट में चर्बी वगैरह लटक जाती है, एक्स्ट्रा चर्बी हो जाती है ना, उसके लिए। तो हम एक चूर्ण बनाने जा रहे हैं इसका, तो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए ज्यादा सामान, सिर्फ दो ही चीजें चाहिए। तो एक तो ये चर्बी घटाएगी बहुत ही फुर्ती से, और दूसरी बात ये जो हमारे कब्जी पेट में गैस वगैरह बनती है ना, वो भी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस पाउडर को बनाना है, तो सबसे पहले हम इसको भून लेंगे। तो हमने इसको धो के सुखा के रखा है, अजवाइन में बहुत ज्यादा मिट्टी होती है फ्रेंड्स, तो हम डाल लेंगे कढ़ाई में। तो ये अजवाइन मैंने ले ली है, 50 ग्राम अजवाइन है फ्रेंड्स, तो आप इसे जितना मर्जी बना के रख सकते हो। तो हल्का सा मैं इसको रोस्ट करूंगी, ज्यादा नहीं भूनेंगे, ज्यादा भूनने से अजवाइन जो है हमारी कड़वी हो सकती है। तो इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे, अजवाइन जो है बहुत ही बारीक होती है। तो इस पाउडर को जो है आप एक बारी 1 से 1.5 हफ्ता यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा इसके फायदे मिलने वाले हैं। तो इस अजवाइन में हल्का सा अजवाइन को गर्म कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद इसमें हमने एक चीज को और ऐड कर देना है, तो हमने इसमें डाल देनी है सौंफ। तो ये नॉर्मल सौंफ है जो हम अचार वगैरह में डालते हैं ना, मोटी वाली सौंफ, वो वाली है। तो इसमें हमने थोड़ी सी 4-5 चम्मच सौंफ भी यूज कर ली है, सौंफ डाल दी है। तो सौंफ के भी फायदे फ्रेंड्स आपको पता ही है कितने होते हैं। तो दोनों चीजों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा क्रिस्पी होने तक, हल्की सी खुशबू आने लगेगी जब भी हमने गैस को बंद कर देना है। अजवाइन और सौंफ जो हमने फ्रेंड्स इसके अंदर डाली है, वो हल्की सी जो है क्रिस्पी हो गई है, माड़ा सा कड़ा इसमें जो है थोड़ा सा कलर आ गया है। और अब इसको गैस को कर देंगे बंद, ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से पीसना है और इसको किस तरीके से पीना है पाउडर को। तो उसके बाद हम ठंडा करने के बाद पूरी वीडियो दिखाते हैं आपको। तो अजवाइन और जो सौंफ हमने ली थी ना फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया से ठंडी हो गई है। अब इसको हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो उसका हम बारीक करके पाउडर बना लेते हैं। तो ये पाउडर जो है बहुत बढ़िया से बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। तो इसको हम किसी भी शीशी की बोतल में रख सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 कप, मैंने यहाँ पे बड़ा मग भर के मैंने पानी ले लिया है, तो पानी में उबाला आ गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच भर के ये पाउडर। तो आप पहले थोड़ा ही डालिएगा, उसके बाद अगर आपको टेस्टी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पाउडर बढ़ा भी सकते हैं। तो उबलते हुए पानी में मैंने इस पाउडर को डाल दिया है, तो 2 मिनट के लिए इसको हमें पका लेना है, ताकि जो इसका पूरा असर है ना पानी के अंदर आ जाए। तो 2 मिनट इसको पका लेंगे, उसके बाद हम इसको नॉर्मल होने पर छान के पी सकते हैं। पानी को मैंने 2-3 मिनट के लिए उबाल लिया था सिम गैस पे, उबलते हुए पानी में पाउडर को डाला था। इसका जो पूरा असर है आप देख सकते हो, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये हल्का सा अभी गर्म है, जितना कि हम पीना चाहते हैं उतना गर्म ये है, तो इसको ज्यादा गर्म नहीं पीना। अब हम इसको इस ड्रिंक को जो है 1 गिलास में डाल लेंगे। ये ड्रिंक अगर फ्रेंड्स आप लगातार अगर 1 महीना पी लोगे तो बहुत ही ज्यादा इसका जो है फर्क आने वाला है। तो 1 गिलास लिया है मैंने कांच का, इसमें 1/2 सा नींबू निचोड़ लेते हैं। तो खाली पेट आप इसको पी सकते हो, शाम को खाने के बाद भी पी सकते हो, जब भी है आप 2 टाइम इसको जरूर पीजिएगा। तो नींबू ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप पसंद करते हो तो डालें, वरना कोई बात नहीं, तो आप पैसे भी ले सकते हो। इस पानी को आप चाहो तो छान के भी ले सकते हो, और नॉर्मल अगर आप पी सकते हो तो ऐसे लोगे तो ज़्यादा असर रहेगा। तो ड्रिंक्स बन के हमारा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।